हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन राठौड़ और स्वागत है भाई आपका आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे अपने पास है दो होंडा स्प्लेंडर 25, एक ये और एक ही अपने वाली। और आज के वीडियो में काफ़ी एक बेहतरीन मॉडिफिकेशन के अपन बात करेंगे जो कि अपने भाई ने करवा रखा है। और ये दोनों बाइक हमने इसलिए लगवा रखी है ऐसे ताकि आपको साइड बाय साइड दिखा सके कि वो मॉडिफिकेशन करने के बाद बाइक में क्या चेंजेस आया है। तो सबसे पहले भाई से पूछेंगे कि भाई मॉडिफिकेशन क्या है और क्यों करवाया है। ये मॉडिफिकेशन है कि ये गाड़ी की हाइट ज़्यादा हो गई है, थोड़ी सी पीछे से हाइट इंक्रीज़ करवा ली है। हाँ। और करवाने का रीज़न क्या है, क्यों करवाया ये? करवाने का रीज़न ये था कि मेरे को इसकी हाइट कहीं ना कहीं कम लग रही थी और मेरे को ज़्यादा हाइट की गाड़ी चाहिए थी। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी, इसकी वजह से थोड़ा सा जो टायर है उसके अंदर भी गैप बढ़ गया। तो अब अपन मोटा टायर भी इसके अंदर लगवा सकते हैं, थोड़ा सा टायर अच्छी साइज का लगवा सकते हैं। जो टच हो रहा था मेरी बाइक के अंदर वैसी दिक्कत शायद इसके बाद नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी वो ये करवाने के बाद में, दिक्कत नहीं आएगी। आपने तो मोटा टायर नहीं लगवाया लेकिन हम लगवाएंगे, फिर से लगवाने की सोच रहा हूँ। तो सबसे पहले एक बार सीट ओपन करके दिखा दो भैया, क्या क्या कैसे कैसे करवा रखा अपन ने। तो ये सीट ओपन हो गई और यहाँ पे किया क्या अपन ने इसके अंदर? इसके अंदर ये लगवाए हैं अपन ने, ये जो आपने हाइट दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये वाले जो चीज़ है। हाँ, ये वाली चीज़ जो इसके अंदर, ये देखो ये जो गैप आ रहा है देखो कितना वाला। हाँ हाँ, ये जो चीज़ है थोड़ी सी बड़ी है इसके अंदर। हाँ। इसमें जो इसकी हाइट है एक बार देख सकते हो आप, ऐसे समझ में नहीं आएगा, एक बार आप ये देख लीजिए। इसके बाद अपनी मैं बाइक का दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये इसको हटा देते हैं एक बार साइड में। और अब देख सकते हो आप इसमें जो साइज़ है, देखो इसकी काफ़ी छोटी है, ये देख सकते हो इधर आप, ये मुश्किल से एक इंच का हो सकता है, एक इंच का राउंड है इसकी हाइट, इसकी भी इतनी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी तीन इंच के राउंड है, ढाई तीन इंच के है। ये देखो आप, ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी लगवा रखी है। और अपने इसके अंदर जो कंपनी फिटेड आती है वो आप देख सकते हो, वो थोड़ी सी छोटी है, तो इसकी वजह से जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। वो भी एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप टायर के बीच में गैप देख लो एक बार, ये टायर है। और सस्पेंशन पर नोटिस करना, सस्पेंशन देखो कितना खुला हुआ है इसका, ये देखो सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ है। और यहाँ पे जो हाइट है इस जगह से इधर की देखो आप, हाइट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है। और अब आपको अपनी बाइक दिखाते हैं। तो यहाँ पे सस्पेंशन देखिए आप, ये सस्पेंशन पूरा इधर बिल्कुल ऐसा है, उतना खुला हुआ नहीं है। और यहाँ पर आप ये देखो स्पेस देखो एक बार कितना कम है, यहाँ पर स्पेस देख लीजिए एक बार आप। और साइड बाई साइड हाथों हाथ में आपको उधर का दिखाता हूँ, ये स्पेस नोटिस कर लिया आपने। और अब यहाँ पे स्पेस देखिए, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और ये जो चौड़ाई है इधर की, ये भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, देख सकते हो आप, इधर का देख लीजिए एक बार और एक बार वहाँ का। तो इसकी हाइट काफ़ी इंक्रीज हो गई है और मैंने इसको चलाया भी है, चलाने के अंदर भी थोड़ी सी मुझे बेटर लग रही है, थोड़ी सी ऊँची ऊँची वाली फील आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस भी इंक्रीज हुआ है, क्या बोलते हो, आपको लगता है ऐसा? ग्राउंड भी इसका थोड़ा ऊंचा हो, थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस इसका ऊंचा हो गया। एक बार इस साइड से दिखाता हूँ आपको, इधर से तो शायद दिखेगा नहीं, इस साइड आना भैया। हाँ, ये देख लीजिए आप, ये इसका ग्राउंड क्लियरेंस है भैया, जिसमें अपने मॉडिफिकेशन करवा रखा है। और एक ही अपनी वाली है, तो मुझे लगता है इसमें यार शायद 3 से 5 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी इंक्रीज हो गया है भैया। तो ये सब कुछ मॉडिफिकेशन इन्होंने करवा रखा है। और भैया मॉडिफिकेशन तो आपने करवा लिया, प्राइस क्या है इसका, पैसा कितना लगा वो तो बताया नहीं आपने। इसका पैसा लगा मेरे को 150 रुपये। 150 रुपये? 150 के दोनों आ गए। 50 रुपये वो उसके लगते हैं। हाँ, जो आइटम है उसके, आइटम है जो इसमें फिटेड होती है, और 100 रुपये वो चार्ज लेते हैं। 50 का आइटम को लगाने के 100 रुपये मजदूरी ले ली आपसे वो ले ली थी। तो भैया कहीं कहीं मतलब 100-150 में काम हो जाएगा, 100-150 में। और इसके फायदे क्या क्या है वो आपको, एक तो सीट की हाइट इंक्रीज हो गई, चलाने में मज़ा आ रहा है, चलाने में अब ज़्यादा मज़े आते हैं, ऐसा लगता है कि थोड़ी बड़ी बाइक चला रहे हैं, है ना। तो देखो जितना मैंने इस बाइक को चलाया है, अभी 7-8 किलोमीटर मैं चला के लाया था, भाई मेरी बाइक चला रहा था, मैं इसकी बाइक चला रहा था, तो मुझे ये जो मॉडिफिकेशन काफ़ी अच्छा लगा। और जो थोड़ी सी बाइक है वो चलाने में थोड़ी सी ज़्यादा सही लग रही है। और जिनको थोड़ी बहुत कमर दर्द की शिकायत रहती है ना थोड़ी बहुत, वो इस मॉडिफिकेशन के बाद शायद दूर हो जाएगी। और भाई को मेरी बाइक चलाने में कमर दर्द हो रहा था शायद, मेरे को ये अर्जुन बाइक की गाड़ी चला रहा था मैं, तो मेरे कमर में दर्द होने लग गया था। तो भैया देखो बात ऐसी है, ये मॉडिफिकेशन मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये मैं करवा रहा हूँ। और करवा क्यों रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इनके मॉडिफिकेशन से इंस्पायर होकर। ये मेरा बाइक खुद का कोई आइडिया नहीं है, मेरा खुद का दिमाग नहीं है, मैंने आज इनकी बाइक में देखा तो उसके बाद मैं करा रहा हूँ। और आपका भी यार एक यूट्यूब चैनल है ना? हाँ, मैंने अभी थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन हुए, मैंने इशू ब्लॉग्स के नाम से चैनल बनाया है।
तो स्क्रीन पे भैया इनका नाम आ जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम आईडी भी है आपकी जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, तो इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगी। एसपी के बारे में डिटेल से और कुछ पूछना हो, क्योंकि इन्होंने मेरे से थोड़े से अच्छे मॉडिफिकेशन करवा रखे हैं, मैं अच्छे बोलूँगा, क्योंकि ये जो मॉडिफिकेशन है इसके लिए जो आईडिया इन्होंने लगाया है वो थोड़ा सा सही लगा और बाइक चलाने में काफ़ी सही लग रही है, तो मुझे सही लगा ऐसा। तो आप भी ऐसे कुछ मॉडिफिकेशन अगर करवाना चाहते हो तो इनसे बात कर सकते हो, बाकी और भी मॉडिफिकेशन करवाते हैं ये। तो ये हमारे दोनों भाइयों की बाइक है और जल्दी ही हम दोनों भैया इन दोनों एसपी से कुछ राइड प्लान कर रहे हैं, तो राइड के बारे में भी बताएं, आगे बताएं इनको, आगे वाली वीडियो में बताएं। अभी सब कुछ बताना ठीक नहीं होगा, आज के लिए इतना ही होता है। तो भैया हम कहीं पर राइड प्लान कर रहे हैं और दोनों भाई साथ में राइड करेंगे, दोनों के पास S125 है, दोनों के पास जो टायर है वो भी भाई स्टोक टायर है, जिसको हम शायद चेंज करवा सकते हैं। फिलहाल के लिए तो दोनों बाइक सेम है भैया, बिल्कुल एक जैसी है, बस छोटे मोटे मॉडिफिकेशन की इनके अंदर फेर बदल है, बाकी एक जैसी है। तो जल्दी ही लॉन्ग राइड करेंगे और उसके वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि मेरा व्लॉगिंग चैनल है राइडर अर्जुन व्लॉग, उस पर सारे वीडियो देखने को मिलेंगे लॉन्ग राइड के। हो सकता है मैं लद्दाख जाऊँ, केदारनाथ का भी एक प्लान है और राजस्थान में भी एक दो राइड हम करने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोनों भाइयों के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को लाइक का टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 500 लाइक, तो जल्दी से 500 लाइक कंप्लीट करवा दो भैया, हमको भी यार लाइक चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल हाई रहता है, क्या बोलता है भाई, 500 लाइक तो चाहिए। तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल पे न्यू हो फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.